जमशेदपुर में लगातार हो रही अवैध शराब भट्टे की छापेमारी में बुधवार को आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर परसुडी थाना क्षेत्र के जसकंडी और कदमा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया। वहीं अवैध शराब भट्टी संचालक दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर परसुडी और कदमा में छापेमारी कर भट्टी संचालक दो व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। वहीं जानकारी देते हुए महेंद्र देवगम ने कहा कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि परसुडी और कदमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 400 लीटर अवैध शराब को जब्त किया। साथ ही दो संचालक परसुडी निवासी रामप्रसाद जायसवाल, राम जन्म नगर कदमा निवासी राम बिरवा को गिरफ्तार किया गया। उधर विभाग ने दोनों अभियुक्तों का मेडिकल टेस्ट करवाकर न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। गुप्त सूचना मिली थी कि परसुडी थाना क्षेत्र के जलस्कंडी में एक महुआ कवच चले शराब पही है, अड्डा है, गोदाम है। तो वहीं पे हम लोग सुबह तकरीब 4 बजे आसपास छापामारी किए और 400 लीटर चिलाई शराब और एक दो मोटरसाइकिल और दो लोगों को गिरफ्तार किया। तो उन्हें जेल भेजा जा रहा है। एक जो अरेस्ट हुआ उसका एक का नाम राम बिरवा है और एक का शंकर नाम है।